हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विद एन फार्मेसी। जो तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन जो न्यू आए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने की पॉइंट्स की बात की है और साथ में बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर किया है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं बार बार, तो जो भी न्यू है यहाँ पे मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देखें, उसके बाद इस पे आएं, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट उसमें बताए हुए हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं, तो आप उसको स्किप बिल्कुल ना करें। तो आज हम बात करेंगे गैंग्लिया की। गैंग्लिया जो है ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो बताने वाले हैं, जो कि हम इस वीडियो में करेंगे। ये पॉइंट्स कोई नहीं बताता, वो सारा एक्सप्लेन करने में लगे होते हैं कि हाँ ये होता है ये होता है, थ्योरी ही एक्सप्लेन हर कोई करता है, ऐसे एक एक पॉइंट निकाल के कोई नहीं बताता, ये सिर्फ आपको यहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको मेरी वीडियो सीक्वेंस में देखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी में देखनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आर टॉपिक इज गैंग्लिया। व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया क्या होता है? जहां पे टू न्यूरॉन्स ज्वाइन करते हैं और अपना मैसेज जो है डिलीवर करते हैं। वेयर टू न्यूरॉन्स नर्व्स जॉइंस एंड ट्रांसफर देयर मैसेज। अब ये मान लो हमारा गैंग्लिया है, फाइन। जो गैंग्लिया है, गैंग्लिया के साथ भी हमारी दो न्यूरोन ज्वाइन होते हैं। जो गैंग्लिया से पहले न्यूरॉन होती है उसको हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और जो गैंग्लिया के बाद न्यूरॉन ज्वाइन होती है उसको हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इसको हम बोल सकते हैं एक तरह का ये क्या है, मिडर है। इसने क्या करना है, सिर्फ जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसका मैसेज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन तक पहुंचाना है। तो ये सिर्फ एक ट्रांसमीटर है और कुछ नहीं है। गैंग्लिया क्या है? एक ट्रांसमीटर है जो हेल्प करता है न्यूरॉन्स की कि वो अपना मैसेज डिलीवर कर सके आसानी से, फाइन। और कुछ भी नहीं है गैंग्लिया। तो आपको गैंग्लिया क्लियर हो गया। अब हम इसके पॉइंट की बात करते हैं। इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन इज शॉर्ट, एंड इन पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोन इज शॉर्ट। अब ये क्या है और इसकी क्या जरूरत है कि कौन सी शॉर्ट है कौन सी लॉन्ग है? ये हम जब हम अपनी थ्योरी क्लासेस लगाते हैं ना, हम इस पॉइंट पे कभी फोकस नहीं करते। ये क्या है, हम इसको छोड़ ही देते हैं ना, हमें ये समझ आता है और ना ही कोई इतना इनिशिएटिव लेता है इसको समझाने के लिए। लेकिन ये पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा हुआ है। क्या होता है कि ये इसमें पोस्ट और प्री की बात कर रहा है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक इज शॉर्ट, मींस ये वाला जो न्यूरॉन है सिंपैथेटिक में शॉर्ट होगा। पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, देन पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो इसमें प्री गैंग्लियोनिक जो है वो शॉर्ट होगा। उसी तरह जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो शॉर्ट होगा किसमें, वो होगा पैरा में। नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हमने जो डिवीजन की थी इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत बार हो जाती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैं पूरा नहीं मेंशन कर रही, और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात कर रहे हैं हम गैंग्लिया की। जो गैंग्लिया है वो दो न्यूरॉन्स के साथ होता है, ऐसे जो पहले होता है उसको हम प्री बोलते हैं, जो बाद में होता है उसको हम पोस्ट बोलते हैं। अब इसको याद करने का ये तरीका है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले आता है ना, तो इसकी जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन होगी वो शॉर्ट होगी, और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बाद में आता है सो इसकी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोन होगी वो शॉर्ट होगी, फाइन। इसको हमने ऐसे याद करना है, ये पॉइंट पूछा हुआ है सो इसको हमने छोड़ना नहीं है, इसको हमने करना है। उसके बाद एक छोटा सा चार्ट है
जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने बात की है, ये सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है, प्री गैंग्लिया पोस्ट गैंग्लिया। जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर हम यूज करते हैं, प्री में हम एसिटाइलकोलीन यूज करते हैं और पोस्ट में हम नोर एड्रेनालिन यूज करते हैं जिसको हम नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है क्या है, फाइट एंड फ्लाइट वाला नर्वस सिस्टम है, मीन्स ये काफी वर्क कर रहा है, तो इसलिए हमने दो न्यूरो ट्रांसमीटर रखे हुए हैं। इसको ऐसा याद करने के लिए हम कह सकते हैं, इसलिए हमने शुरुआत तो हमने एसिटाइलकोलीन से की, लेकिन एंड हमने कहां से किया, नोर एपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनालिन से। उसी तरफ दूसरी तरफ है पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट में काम करता है, मीन्स काम है ना, रिलैक्स लाइक सिस्टम है। सो इसमें इसने कोई ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेना, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करने, सो इसलिए एसिटाइलकोलीन से ही अपना काम चला रहा है, प्री में भी पोस्ट में भी। ऐसे ही हमने याद करना है कि जो पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक लेजी सिस्टम है, उसको वो कोई भी खास इनिशिएटिव नहीं ले रहा और बहुत ही कम है हमारी बॉडी में, सिर्फ रेस्ट और डाइजेस्ट करने के लिए है, इसलिए वो एसिटाइलकोलीन को ही यूज कर रहा है प्री में भी और पोस्ट में भी। दूसरी तरफ हमारा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में एक्टिवेट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में, इसलिए वो प्री में तो एसिटाइलकोलीन यूज कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी प्रमोशन हो जाती है पोस्ट में, वो एसिटाइलकोलीन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं यूज करता, वो करता है नोर एड्रेनलिन और नोर एपिनेफ्रिन। फाइन, ये भी याद रखना है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है। मैंने इसमें वही पॉइंट इंक्लूड किए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आपके, जो आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। सो एक भी पॉइंट इसमें छोड़ने वाला नहीं है, सारे ही इम्पोर्टेंट है, सो सारी वीडियो ही बहुत ध्यान से हमने देखनी है। उसके बाद है न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन, इसकी एक और वीडियो जो है मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने थ्योरी वर्क सारा समझाया हुआ था विद डायग्राम की कैसे न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन होती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं। लेकिन आज हम एज अ कॉम्पिटेटिव में कौन कौन से पॉइंट पूछे जा सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आपको इसकी थ्योरी समझनी है तो वो वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से सर्च कर सकते हैं। तो ये काफी वास्ट टॉपिक है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें। थैंक यू।